हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और जैसा आप जानते हैं कि मैं हमेशा लेकर आती हूं कुछ ना कुछ चटपटा आपके लिए, आपको कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। आई एम अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, आई मस्ट से। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने मिस किया है ना, जिसमें मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है कल रात को, मुझे एक बिल्ली ने काटा है यहाँ पे, तो वो स्टोरी आपकी सुननी जो है वो बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखने से पहले। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लो, क्योंकि अभी मैं निकली हूँ थोड़ा टाइम पहले अपने घर से, और वहां से मैं आपको लेके जा रही हूँ साथ में हॉस्पिटल। क्यों जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, उसमें स्टोरी में मैंने बहुत कुछ बताया, पर चलो इसमें भी ब्रीफली बता देती हूँ कि कल मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही थी और मुझे एक बिल्ली काट गई। यस, यूएई में 17 साल में मैंने इतनी कैट्स के साथ यहाँ पे खेला है, बिकॉज आई लव पेट्स, आई सिंपली लव देम। तो मैं हमेशा उनको छेड़ती हूँ, खेलती हूँ उनके साथ, मस्ती वस्ती मारती हूँ, लेकिन उनको कभी तंग नहीं करती। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, एक कैट मैं खाना खा रही थी, मेरे पास आके बैठ गई और मैं उसको प्यार कर रही थी, उसके सिर पे ऐसे ऐसे कर रही थी, और एकदम से उसने पता नहीं उसके मूड को क्या हुआ, मे बी उसके भी हो सकता है, हम विमेन की तरह कभी कभी हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो मे बी उसके भी हार्मोन्स थोड़े से ऊपर नीचे थे और उसने मुझे काट लिया, और मेरे हाथ पे काटा था उसने। और रात को मैं हॉस्पिटल गई थी, एक डॉक्टर से मिल लिया था और उन्होंने कुछ बोला कि आप कल तक वेट कर सकते हो। तो अभी मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, मैं वहां जा रही हूँ डॉक्टर से मिलने के लिए, और ऑफ कोर्स इंजेक्शन वगैरह जो भी है लगवाने के लिए। एंड बेस्ट पार्ट ये है, एक मिनट, बहुत मिट्टी है, मुझे इसके ऊपर से निकलना है, एक मिनट, हाँ, जस्ट वन मोमेंट। ओके 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 ओके, वी गेट देयर, मिट्टी वाले एरिया के ऊपर से निकल रही हूँ मैं। ओके, देयर वी गो। तो मैं कहाँ थी, तो हाँ, तो अभी देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। रीजन बीइंग इज, क्योंकि कभी भी कोई जानवर काटता है, अगर वो सड़क का है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है, तो आई थिंक जो दुबई के रूल्स हैं कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है, उन्हीं से सलाह लेनी पड़ती है, और उनको पहले रिपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। तो वो मैं कल कर आई थी रात को, मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चक्कर ऑलरेडी मार लिया है, अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे भी जा रही हूँ मैं, तो अभी जो भी नीडफुल है वो करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपडेट करती हूँ कि क्या होता है, क्योंकि आज शाम को है मेरा ट्रैवल प्लान, मैं जा रही हूँ इंडिया, और पैकिंग वगैरह मैंने आज की है। कल रात को हमने भाग भाग के आहान का पीसीआर टेस्ट भी कराया, मेरा पीसीआर टेस्ट तो हमने दो दिन पहले ही करा दिया था, लेकिन हमें ये याद नहीं था कि आहान का भी कराना है, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है ट्रैवल वालों से। तो कल रात को काफी कुछ हुआ है जो आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलना चाहती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या करने और देखने को मिलता है, चलिए। बाकी चलते चलते मेरा दिल किया कि आपको थोड़ा सा दुबई का साथ साथ में एरिया भी दिखाती चलूं मैं। ये यहाँ का अल रफा एरिया है, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं, देखो आप इस तरह के घर हैं, जो लोग यहाँ नहीं रहते आई एम श्योर उनको बहुत पसंद आएगा अगर मैं दिखाऊंगी तो। ये देखिए आप, सो ये है रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे कुछ एक होटल्स भी बने हुए हैं आसपास में, कुछ एक क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ पे होटल्स हैं, तो मतलब अच्छा एरिया है। और अभी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि गर्मी अभी दुबई में होनी शुरू हुई है, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम फिर भी थोड़ा ठंडा हल्का है। छाँव में चलो और ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स नॉट बैड एट ऑल। एंड मुझे तो इस एरिया में वॉक करना भी आके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं आसपास में, और बहुत सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं मॉर्निंग टाइम में, सो दिस इज अ कम्प्लीट रेजिडेंशियल एरिया, तो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे एरिया यहाँ पे। बाकी जो लोग दुबई में नहीं रहते उनको ये नहीं पता होगा, शायद हो सकता है, जो न्यूज पढ़ते हैं सुनते हैं उनको तो पता होगा, यहाँ पे अभी बाहर ओपन एरियाज में मास्क जो है लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जाते दो चीजें हमें केयरफुली करनी है, एक तो हमें मास्क लगाना है अंदर, तो मेरा मुंह छुप जाएगा जब मैं आपसे बात करूंगी, सेकंड आपको मेरा चेहरा इसे डबल नजर आएगा क्योंकि फोन जो है वो मुझे हाथ में पकड़ के बिल्कुल मुंह के पास करके बात करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू कवर एनीबडी। तो चलिए चलते हैं हमें हॉस्पिटल में। हाय, आई नीड टू सी अ जीपी, या जीपी, आई जस्ट गॉट अ कट। सो यहाँ हॉस्पिटल में जो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे इमीडिएटली जीपी डॉक्टर आपको मिल लेते हैं, क्योंकि मुझे किसी स्पेशलिस्ट से नहीं मिलना है, तो
आई जस्ट डिसाइडेड टू कम टू द एमरजेंसी सेक्शन. तो ऐसा दिखता है यहाँ पे. तो वहाँ पे एक लेडी है, उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो उन्होंने बोला वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगी और डॉक्टर अभी देखेंगे और फटाफट से जो भी है ट्रीटमेंट देंगे या जो भी बोलेंगे देन ऑफकोर्स आई विल फॉलो देयर एडवाइस. तो बैठ जाते हैं अभी. बाकी एक्सक्यूज़ मी फॉर माई आईब्राउज. जिन्होंने मेरी इससे पहले की 3-4 वीडियोज़ देखी होंगी आपको पता होगा कि मैंने आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग कराया है, तो जिसके चलते आप आईब्रोज़ के ऊपर जो है पानी नहीं डाल सकते और मैंने इसके ऊपर उन्होंने कोई दवाई दी थी वो लगाई है, तो इसकी वजह से बहुत ही ऊपर नीचे से लग रहे हैं. सो इस पर मैं कुछ भी नहीं लगा सकती हूँ अभी 10 दिन तक. इसको मैंने ऐसे नेचुरली रखना है और मेरे ख्याल से मेरा मस्कारा भी थोड़ा आँखों के नीचे तक लग गया है. ओह माय गॉड, व्हाट अ मेस आई एम. आज सुबह ना मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया, मुझे कहती है कि हाउ आर यू. मैं क्या बताऊँ, तो मैंने जब उसकी अपनी स्टोरीज बताई ना अपनी वो बिल्ली काटने वाली, तो मुझे कहती है ये सारी मसाला स्टोरीज तेरे पास ही क्यों होती है. तो चलिए ये सारी मसाला स्टोरी आपको भी सुनने को मिलेगी कि आज दिन में बिल्ली के काटने के बाद क्या हुआ. तो पूरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना मत भूलिएगा. सो आपको पता होगा कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैंने कंसल्ट कर लिया है. उन्होंने कहा है कोई वरी की ज़रूरत नहीं है. तो एक इंजेक्शन लिखा है मुझे लाने के लिए फार्मेसी से, तो वो लिखा हुआ इंजेक्शन मैं लेने जा रही हूँ अभी. उसको लेने के बाद अंदर जाऊँगी तो वो इंजेक्शन लगा देंगे मुझे. सो लेट्स गेट द इंजेक्शन. एक ही है अभी, एक ही लिखा है. सो इस तरह से यहाँ की फार्मेसीज होती हैं. तो अभी मैंने उनको दिया है अपना इंजेक्शन लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की ना अप्रूवल लगती है, तो पहले ही सिस्टम में डालते हैं, तो जिसकी जैसी इंश्योरेंस होती है उसके हिसाब से यहाँ पे अप्रूवल आती है. उसके बाद फिर जब अप्रूवल आ जाएगी तो उसका कुछ 10% देना होता है, और उसके बाद लेके फिर मैं उधर जाऊँगी. तो जिस डिपार्टमेंट में मैं गई थी उसको बोलते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट. वहाँ पे मतलब अगर कुछ आपको इमिजिएटली कुछ काटा है, कुछ भी है, तो आप इमरजेंसी में जा सकते हो. चोट लगी है या भगवान ना करे एक्सीडेंट हुआ है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए. तो वहाँ पे वो फटाफट से आपको मतलब इमरजेंसी में, आपको इमरजेंसी का नाम ही पता है ना, फटाफट से ट्रीट करते हैं. बाकी अदरवाइज़ तो जनरल हॉस्पिटल जो होता है, यहाँ के हॉस्पिटल्स बड़े प्यारे हैं, साफ़ सुथरे हैं, सिक्योरिटी बैठी होती है डोर पे, फिर आप हाथ सैनिटाइज करते हो, टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर आप अंदर जाते हो. फिर फ्लोर वाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जीपी है, फिर जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं. और यहाँ पे ना वैसे हमारे मुल्कों की तरह क्राउडेड नहीं रहता लोग, मतलब यहाँ लिमिटेड ही अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही होते हैं. हाँ, वॉक इन भी लोग आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेप्ट करते हैं उनको, कभी कभी नहीं करते. तो ये जो मेरे घर के पास हॉस्पिटल है इस पे तो मैं काफ़ी बार आती हूँ यहाँ पे, एंड डॉक्टर्स आर गुड. सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपको अच्छे से सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं, आपको तब ट्रीट करते हैं. कोई जल्दबाजी नहीं होती कि हाँ जी आए आप फटाफट टक 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 किया निकलो, ऐसा नहीं होता. दे क्रिएट अ रिलेशनशिप विद यू. मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स से कभी मैं मिली हूँ, मतलब दे बीन रियली रियली गुड. तो चलो देखते हैं कितना टाइम अप्रूवल में लगता है. कभी कभी 10-15 मिनट भी लग जाते हैं अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो कि जिसके अप्रूवल में टाइम भी लगता है, तो आई डोंट नो. सो जब मिलता है तो फिर चलते हैं उधर. यार सारे मेरे साथ ही पंगे क्यों लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती. मतलब लोगों को मुझे भगाने में, तंग करने में मेरे ख्याल से मज़ा आता है क्या? सीरियसली, इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि सेल्फ पे. मेरे पास इंश्योरेंस है भाई, तो मैं सेल्फ पे क्यों करूँगी? तो वो इंजेक्शन उन्होंने दिया और उन्होंने बोला इतने पैसे दे दो. मैं क्या, किस बात के पैसे भाई? हाय माय डियर, आई हैव इंश्योरेंस, व्हाई इट सेज सेल्फ पे? आधा घंटा ख़राब करा दिया मेरा सीरियसली. पहले मैं यहाँ वेट करती रही, वहाँ पे मैंने अपना आगे अपना यहाँ पे एमिरेट्स आईडी दिया और उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा डू यू हैव इंश्योरेंस. यूजुअली एमिरेट्स आईडी में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको अपने इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बोलना पड़ता. उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, जाओ इंजेक्शन ले आओ. मैं गई उधर, तो मैं वहाँ पे 20 मिनट वेट करती रही. मुझे लगा अभी अप्रूवल नहीं आई, अप्रूवल नहीं आई, क्योंकि वो मुझे लड़की बुलाने ही नहीं आई बाहर. यूजुअली क्या होता है, आप जब अपना पेपर दे देते हो बाहर बैठ जाओ तो बेटर रहता है, क्योंकि अप्रूवल आने में कभी कभी टाइम लग जाता है. तो आई थॉट कि अंदर कन्फाइंड स्पेस है, तो बाहर बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ, वो भी मुझे बुलाने नहीं आई. बाहर आके मुझे कहती नहीं यू हैव टू पे एंड अप्रूवल की जरूरत नहीं है. मैं क्या, फिर इतना टाइम क्यों लग गया? कह रही नहीं बिकॉज यहाँ पे सेल्फ पे लिखा हुआ है, यू विल हैव टू पे द बिल. मैं क्या, क्यों भाई, जब मेरे पास इंश्योरेंस है वाई शुड आई पे? अब वापस आई हूँ तो ये बोल रहे हैं कि नहीं सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, ऐसा है वैसा है. पता नहीं यार ये ड्रामे मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं रियली.
मैडम जी ने अभी दोबारा पेपर बना के दिया जिसके ऊपर इंश्योरेंस का नंबर वगैरह लिखा हुआ है, क्योंकि पहली बार मैं भी इमरजेंसी में गई थी तो मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही चेक कर लेती। बट एनी हाउ, हम कहते हैं ना एक्सपीरियंसेस इंसान को काफ़ी कुछ सिखा देते हैं। अभी वापस उसी फार्मेसी में जाके देती हूँ पेपर मैं। सो अब दोबारा से वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो लेडी अंदर बैठी है ना, यहाँ पे पीछे दिखाती हूँ आपको, वो पीछे बैठी है ना जो, तो ये पेपर जाके उनको दिया है, तो अभी वो सिस्टम में सारा डाल के डिटेल्स, तो इंश्योरेंस वाले जो जिसकी जो इंश्योरेंस है उनको ईमेल जाती है, फिर वो अप्रूवल भेजते हैं, उसके बाद ही ये रिलीज़ करते हैं मेडिसिन को। सो लेट्स सी अभी इसमें और कितना टाइम लगता है। फार्मेसी का स्टाफ अभी बाहर आके मुझे कहता है, मैडम दिस इंजेक्शन इज़ नॉट कवर्ड। मैं क्या, ऑल दैट हैसल के बाद, एक घंटा ड्रामा के बाद अभी तुम कह रहे हो कवर्ड नहीं है, ऐसे कैसे? मेरा जो इंश्योरेंस है इट्स मेटलाइफ गोल्ड, तो मोस्टली चीज़ें उसमें कवर्ड है, मतलब वी आर पेइंग हैवी इंश्योरेंस चार्ज फॉर व्हाट। तो आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक, उन्होंने मेटलाइफ गोल्ड की जगह पे कुछ और नाम लिख दिया इंश्योरेंस का। आज वाली वीडियो तो फुल मसाला है, फुल मसाला। सीरियसली जब इंसान के पास टाइम भी नहीं होता ना, तो तभी उसका टाइम ख़राब करने वाले मिलते हैं उसको रियली में। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा इस ड्रामे में। पता नहीं मुझे क्या कॉम्प्लिकेशन थी, आई हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, बट एनी वे इट्स ओके, फाइनली आई जस्ट होप विदाउट एनी ड्रामा नाउ आई गेट दिस डन एंड आई गो होम। फाइनली मेरी बारी आ गई है, थैंक यू। Today they made me run too much. What? Today they made me run too much because she did not put my insurance in the system. Yeah. I wasted almost half an hour, but it's okay. I was just telling the staff I don't like injections at all, so I will get it here or here. Let's see. The tattoo side? No, not the tattoo side. Maybe the other tattoo side. Okay. This is from old time, not now. Okay, where there is no pain, we can try that side. Almost fainted. So चलो जी, फाइनली लगवा लिया जी हमने इंजेक्शन, अभी मैं जा रही हूँ घर। एक मिनट रुको, बाहर निकल के करती हूँ आप लोगों से जो शिकायतें मैंने करनी है। चलो, पहला कोई बंदा है जो इंजेक्शन से इतना डरता, आपने देखा होगा। आप बाहर आके तो हम उतार ही सकते हैं भाई अपना मास्क। तो चलो जी, लगा लिया इंजेक्शन और इसके बाद फॉलोअप के लिए देखते हैं और क्या है। अभी के लिए इतना ही। चलो, आज की छोटी सी स्टोरी में आपको शामिल करने का मन था कि आज कैसा रहता है। वैसे मौसम अच्छा है, देखो भाई, है बढ़िया बढ़िया लग रहा है आज दिन। जैसे कहते हैं ना, सर्दी में खिली खिली धूप होती है, वैसा लग रहा है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ विद्या, बाकी आपको मैं अपडेटेड रखूंगी, इसके बाद भी मिर्ची मसाला देती रहूंगी और क्या क्या होता है लाइफ में, ठीक है जी। क्योंकि सबने बोला डेली ब्लॉग करो, बताया करो क्या करते हो, कहाँ जाते हो। तो चलो जी, जो कर रहे थे बता दिया आपको। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। आप सबके ढेरों कमेंट्स का, प्यार का मुझे इंतजार रहता है, ठीक है जी। और मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।